मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी तो बहुत लेट हो चुकी हूँ। आज मैं सो करी, काफ़ी लेट उठी थी, इतना लेट उठी थी कि 9 बजे तो मेरी आँख खुली। इससे पहले मेरी आँख ही नहीं खुली आज तो। एंड फिर उसके बाद जो है बस व्लॉग एडिट भी नहीं किया था। रात जल्दी सो गई, थक बहुत गई थी, तो ना मिनी व्लॉग ना व्लॉग, फटाफट एडिटिंग करी। 10:15 इसी चीज़ में बज गए, 10:15 10:30 बज गए। दैन उसके बाद फटाफट नाना, क्योंकि 11:30 से बैचेस थे। तो अभी तो बस 11:30 ही बजने हैं। इस टाइम बच्चे मेरे आ चुके हैं, मैं चलती हूँ। वन एक चीज़ और, मेरे बच्चे इतने छुट्टी कर रहे हैं, बहुत ही गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम में, बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं कथक एंड भरतनाट्यम के। एंड किसमें? कुकर में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सही है। क्या कहते हैं, बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए। मेरे बच्चे ऐसे इतने, क्या बोलूँ यार, कल टाइमिंग्स बताए, कल सबने ओके 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 करा। अब आज मैम, आज मैं बाहर हूँ, आज मेरे चोट लग गई, आज मेरे लिए आज मेरे लिए वेरी बैड यार। मतलब मुझे समझ में आता, बच्चे इतने लापरवाह हम लोग थे ही नहीं। मतलब अपने टाइम पर हम इतने लापरवाह नहीं थे बिल्कुल। तो एनीवेज गाइज, पार्सल आया है, पार्सल मैं करती हूँ अभी अनबॉक्स। तो हे गाइज, अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी एंड ये ऑटो में जा रहे हैं आज हम लोग। फिर धीरे धीरे करके हाँ, सब ने फिर मना। बज रहे हैं रात के, क्या कहते हैं, 7 बज रहे हैं हम लोग अभी हैं। और बस जो है थकान तो हो ही गई है कि ना जाना। और मतलब देखो, किटी का नाम तो थोड़ा सा है ही कि भाई आप थकान हो ही जाती है। तो बस अब मैं थोड़ी देर लेट होंगी, क्योंकि 1:30 बजे तक तो मैंने बैच ही लगाया था। एंड उसके बाद तैयार होना, 2:15 बजे मैं उड़ गई थी। तैयार होना, वहाँ पहुँचना, क्योंकि आप होस्ट हो तो आपको बहुत जल्दी से तैयार भी होना होगा। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चाय मैं बाद में पीऊँगी सीधे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8, मैंने अब रखी है चाय बनने के लिए। सर में तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ना आके थकान या थकी थकी, वैसे भी जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, मैं थकी थकी वैसे भी रहती हूँ, क्योंकि काम पूरा रहता है, एडिटिंग ही 3-4 घंटे की होती है। तो बस मैं अभी पीऊँगी चाय। एंड चाय के बाद, हालाँकि मेरा मन था मैं दवाई खा लूँ, क्योंकि जो मेरी दवाई है ना, वो ना एम्प्टी स्टमक की होती है। अब ये है कि भैया एम्प्टी अब चाय पी लूँगी, और इससे पहले चाय नहीं पीती तो सर में बहुत दर्द होता। तो इससे बेटर है भाई, इस टाइम पहले चाय पी लो। देन वैसे भी जो थाली ऑर्डर मारूँगी, वो थोड़ा सा लेट ही मारूँगी मैं। तो 9 बजे तक थाली आई, तो चाय पीने के बाद मैं दवाई खाऊंगी, फिर टाइम हो जाएगा। चलो गाइस, चाय बन चुकी है मेरी, तो मैं जो हूँ अब चलती हूँ रूम में, ट्रे तो ले लूँ। वन मोर थिंग गाइस, बर्तन वाली नहीं आ रही है, तो आज तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। कल सुबह उठ के बर्तन वर्तन थोड़े बहुत तो करने होंगे। देखो सारा किचन भर रहा है। तो गैस, अभी फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमारा ऑर्डर में है दवाई मम्मी की। एंड चलो भाई बाहर चलते हैं। ये दवाई करनी मिली है? हाँ तो मैं नहीं है। कितने की है भैया? ना ना, पैसे को बताओ भैया, पैसे बताओ। अरे आप बोल दो। नहीं नहीं, आप बताओ, उसमें कोई उसकी बात थोड़ी ना है। मैंने पूछा थोड़ी कितने रुपये है, मैंने उनसे पूछा नहीं मेडिकल वालों से। आप पूछ लो, आप उनसे भैया से भैया कितने हो गए, मुझे दिक्कत ही घर पे कोई है नहीं है। अरे कोई बात नहीं, भैया बेचते हैं ना, मुझे तो नाम लिखता हूँ कैसे। अरे वो बोल रहे हैं पैसे के कितने हो गए। अरे वो आप उसका कैसे ले लें दो। और आप पहले भैया कितने वाला लेके आओ? जो नॉर्मल क्वान्टिटी है उसका कोई रेंज नहीं है, 30-40 तक का। चलो गाइस, अब फाइन, जैसे कि आपने देखा कि मम्मी की दवाई आई है। एंड अब हम लोगों ने मंगवाई है आइसक्रीम। आइसक्रीम मंगवाई गाइस,
अब मतलब खाना वगैरह हम लोग एक तरीके से खा ही लिया है, भूख तो लगी नहीं रही है। नहीं, मैंने थाली मंगाई है। अच्छा, ऑर्डर भी कर दी? हाँ, थाली आने वाली होगी बस। चलो पहले फिर मैं उसको फ्रीजर में रख दूँगा। मेरी दवाई गटक गटक के पी भी ली है, सॉरी खा ली। अरे आराम से बोलो। बहुत चीखी हूँ मैं, पता है किटी में क्यों? अच्छा, सुनाई नहीं आ रहा था किसी को। रेस्टोरेंट में ज़्यादा शोर ही हो पाया, तो चीख चीख के बोलने पे मेरे को चिंता हो गया था। गाइस, फाइनली हमारी आइसक्रीम भी आ चुकी है एंड हम लोग जाते हैं लेने। हमें पैसे जो है ना, एक सेकंड, मम्मी पैसे ला रही है। अरे कितने की है? 30 रुपये। अभी फाइनली भैया तो ला चुके, मतलब भैया ला चुके हैं आइसक्रीम हमारी है। दो तीन घंटे के बाद फाइनली आ चुका है हमारा हमारा खाना। भैया आ चुका है खाना। फाइनली जान में जान आएगी अब, खाली आ गई दो तीन घंटों के बाद। तो गाइस, नहीं एक घंटा लगा, इतनी अच्छी फैसिलिटी है। चलो से मैं दवाई चाहा दवाई घर बैठे बैठे आ गई, आइसक्रीम चाहा खाली आ गई, आइसक्रीम चाहा आइसक्रीम आ गई, सब घर बैठे बैठे आ गए। अरे मम्मी, अभी ना इंडिया इतना आगे बढ़, टैंक बंद करो, टैंक बंद करो। इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है ना डेवलपमेंट में, आपने सोची नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक बात सुनो, तुमने ग्लू गन तो रखे, तुम्हारे पिताजी आके रखेंगे हैं सारा सामान। तुझे इसी बात पे मुझे गुस्सा आती है, बोलू एक बात सुनो। तो गाइस, दवाई चाहिए, दवाई आ गई ऑनलाइन। ऑनलाइन सिर्फ एक कॉल करा मैंने सिटी कार्ड को, इनकेस बोलो एक्चुअल में मैंने कॉल करा तो वो बोले कि मैम हमारे यहाँ वैसे है नहीं मेडिकल मेडिसिन की फैसिलिटी, लेकिन मैं करवा देता हूँ। गाइस, मेरे पास वो एक दिन ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से ना विद इन 10 मिनट्स मेरे पास माइग्रेन की दवाई आ गई। आप समझ सकते हो कि माइग्रेन मुझे कितना गंदा वाला होता है। तो बस थाली आ चुकी है और थाली का नज़ारा, थाली है कुछ इस तरीके की। यस, रिंगाना बहुत तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 एंड बस ये लोग थे शादी में, ये लोग आ चुके हैं ये देखो। और भाई लेट हो ही चुके हैं हम लोग भी, लड़की चक्कर में कभी सो रहे थे कभी जग रहे थे। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।